भारत के इतिहास की सबसे महंगी फिल्म और उसका एंथम, और वो भी जो उसका मेन कैरेक्टर भैरव उसका एंथम, मतलब ये एंट्री सॉन्ग टेक्निकली रहने वाला है, तो उसका एंथम का बहुत बेसब्री से इंतजार था। लेकिन क्या इस एंथम ने खुश कर दिया है या इस एंथम ने निराश कर दिया, इसी पर ये एपिसोड। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगणमन रिएक्ट इन एट द रेट JGM रिएक्ट। भाई, जब प्रभास की फिल्म आती है तो मतलब धमाल की उम्मीद आप कर सकते हैं, रिकॉर्ड तोड़ने की आप उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि प्रभास अपनी हर फिल्म के साथ में नए रिकॉर्ड्स क्रिएट करते हैं। और खासकर ओपनिंग की जब हम बात करते हैं तो बम्पर ओपनिंग होती है, उसी तरफ इशारा भी मिल रहा है। चाहे आप पिछले ट्रेलर के बम्पर हिट्स देख लीजिए, चाहे US के अंदर बम्पर एडवांस बुकिंग देख लीजिए। 27 तारीख को फिल्म आने वाली है, लेकिन लोग जो है, जो फैंस हैं, उनके लिए इंतजार होता है कि भाई उनके स्टार से जुड़ी हुई कोई चीज आ रही है। तो जो न्यूट्रल पब्लिक होती है वो थोड़ा अंदाज लगाती है, प्रमोशनल प्रॉपर्टीज होती हैं, चाहे वो ट्रेलर हो, टीजर हो, पोस्टर्स हो, इवन या फिर गाने हो, सबसे बड़ी तो गाने तो खींच लेते हैं एकदम, तो उन सबको देख के अंदाज लगाती है यार फिल्म पे पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। तो भाई एक झलक तो दिखा दी है फिल्म की इस गाने के जरिए कि भाई क्या पेश करने वाले हैं। और सच कहूं तो मतलब थोड़ा सा खुश किया, थोड़ा सा निराश किया नाग अश्विन ने यहां पर। और चलिए, मैं आपको अपने, मेरे को जो समझ में आया, मैं अपनी दोनों चीजें आपके सामने रख देता हूँ, तो फिर आप फैसला कीजिएगा कि आपको ये जो गाना है कैसा लगा। एंथम जिसको नाम दिया जा रहा है, देश का सबसे बड़ा एंथम, कल की सबसे बड़ी फिल्म है, करीब 600 करोड़ 700 करोड़ तक बजट पहुंच गया है, लेकिन सबसे रिस्की फिल्म भी हो गई है क्योंकि बजट इतना ज्यादा है और अगर एक्सपेक्टेशन पे खरी ना उतरी तो भाई रिकवरी तो बहुत दूर, कमाई तो बहुत दूर की बात है, रिकवरी तक नहीं हो पाएगी। चाहे आप सीक्वल ही बना लो तब भी रिकवरी नहीं हो पाएगी, ये एक खतरा इस फिल्म के साथ जुड़ गया है। तो चलिए, गाने के प्लस पॉइंट क्या है वो आप साफ साफ देख लीजिए। नंबर एक, दिलजीत दोसांझ जो भाई लेके आए हैं, पंजाबी तड़का मारा गया है, और पंजाबी तड़का मार के जो पॉजिटिव रहने वाला है वो ये रहने वाला है दिलजीत दोसांझ के आते ही कि उनकी अपनी फैन फॉलोइंग है दोसांझ की, और उससे सीधा सीधा फायदा फिल्म को पहुंचने वाला है। ठीक है जी, पंजाबी तड़का जरूर लगा है, जट का कमाल यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन नेगेटिव क्या रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि शायद ये कोशिश की गई थी एनिमल की सक्सेस को देख के, जिस तरह एनिमल में पंजाबी गाना लाए गए थे, लेकिन पंजाबी गाने में एनिमल के अंदर पंजाबी बैकग्राउंड था उस तरह का, राइट? तो वो बैकग्राउंड के सहारे वो गाना परफेक्टली मैच कर रहा था यार, मतलब ऐसा था कि वो गाना मैंने ही पता नहीं कितनी दर्जनों बार सुना होगा। लेकिन यहाँ पर वो कहानी नहीं है, यहाँ पे जिस तरह का बैकड्रॉप है वो फ्यूचरिस्टिक बैकड्रॉप है, और फ्यूचरिस्टिक बैकड्रॉप के अंदर ये पंजाबी टोन और पंजाबी वो सब चीज़ें मतलब सूट होती हुई नजर आ नहीं रही है। चलिए, अगर हम पंजाबी वाले तड़के को साइड भी छोड़ दें तो भाई फिल्म के अंदर जिस तरह का टोन है पूरी फिल्म का, फ्यूचरिस्टिक है, डिस्टोपियन है, और उसके साथ में भाई तो बहुत ज्यादा सूट करता हुआ उस फ्लो के साथ जाता हुआ ये गाना मुझे नजर नहीं आया। गाना आप कहेंगे खराब है, नहीं गाना खराब नहीं है, गाना ठीक है, लेकिन शायद फिल्म के टोन के साथ उतना सेट नहीं हो रहा है। अब वो देखा जाएगा, पूरे पूरे चांसेस बात के हैं कि शायद ये बैकड्रॉप में म्यूजिक रहेगा, गाना अलग से नहीं आएगा, तो बैकड्रॉप में जब उसके एक्शन हो रहे होंगे प्रभास के तो शायद उसको वैल्यू ऐड करने के लिए गाना पीछे से बजेगा, ऐसी संभावना यह नजर आ रही है। बाकी गाने में प्रभास का टेंशन तो दिख ही रहा है, वो किस तरह है? मतलब अपना अंदाज दिखा रहे हैं, या फिर धोती को, लुंगी को जो कह लीजिए आप उसे, लुंगी को उछाल के पकड़ रहे हैं, तो मतलब वो जो उनका अपना अदा है, वो स्टाइल है दिलजीत दोसांझ के साथ में, स्टाइल पूरा नजर आ रहा है, टशम पूरा नजर आ रहा है। लेकिन जहां तक बात आती है कि भाई एक चीज आपको समझनी पड़ी, नाग अश्विन जो है वंगा नहीं है। वंगा में जो बहुत अच्छी चीज हमने देखी एनिमल के अंदर, भाई मतलब कहीं ना कहीं वो इमोशन पकड़ के खेल रहे हैं। ठीक है, फिल्म आई तो इमोशन पकड़ के, जब भाई साहब उसका प्रोमो आया था, मतलब लिटरली उठ के खड़ा हुआ, भाई यार जी क्या कर दिया, बहरा नहीं हूं मैं, आप सोचिए कि रातों रात वो डायलॉग हिट हो गया था। मुझे बस कमी ये लग रही है कि प्रभास की फिल्म है, इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा कद है, नाग अश्विन उस तरह का एक भी कैची चीज दे नहीं पाए अब तक जो ऑडियंस को एकदम बिल्कुल हिला के रख दे। बुज्जी जरूर बनाए, फ्यूचरिस्टिक मूवी है तो बुज्जी ने जरूर चर्चा बटोर रही है, जबरदस्त बटोर रही है, लेकिन जिस तरह स्टार वॉर की तर्ज पे फिल्म बन रही है तो वहां उसमें फिल्म में गाने पे थोड़ी चली थी फिल्म यार, तो यहाँ गाना नहीं भी रखते तो चल सकती थी, बुज्जी के आसपास ही रहते। तो खैर, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गाना फिल्म को हेल्प नहीं करेगा, ये गाना नंबर्स आई बॉल तो कैच करेगा, लेकिन इस गाने से जो फिल्म की हाइप है वो शायद क्रिएट नहीं होगी, वो बुज्जी ने ज्यादा क्रिएट की है बजाय इसके, या फिर प्रभास तो आई उनके नाम पे जितना बस क्रिएट हो रहा है, आप गाने नहीं भी लाते तो भी चलता। तो खैर, अब देखते हैं आगे, ये मेरा एनालिसिस है, आपकी इस बारे में क्या राय है,
जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है कि गाना आपके हिसाब से 10 में से आप कितने नंबर देंगे और कहाँ तक पहुँचाएंगे इस गाने को। तो आप जरूर बताइएगा कि भैया ब्लॉकबस्टर हो रहा है गाना, चार्ट बस्टर हो रहा है, ग्लोबल चार्ट बस्टर हो रहा है, या मतलब हलचल करके रह जाएगा, बताइएगा जरूर। चलिए दो चीज़ें मुझे और बतानी है आपसे, और ये दो चीज़ें अब मैं अगले कई एपिसोड में लगातार बताऊंगा भी। नंबर वन कि भाई हम इस हफ्ते से एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं, हर संडे को सेगमेंट आएगा नंबर वन फैन। अच्छा ये हम वो नहीं कर रहे हैं कि किसी एक स्टार तक, लेकिन अगर आप चाहे प्रभास के फैन हो और अपनी बात रखना चाहते हो बाकी हमारे सारे व्यूअर्स के सामने तो आपका स्वागत है। सनी बाजी के फैंस हैं तो वो अगर अपनी बात रखना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। बॉबी देओल, अजय देवगन या किसी भी स्टार के फैन हैं, मतलब हम इसको बाउंड्री नहीं बांध रहे हैं कि सिर्फ इस स्टार के फैन आके अपनी बात कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर जुनून है अपने स्टार्स के लिए कुछ साबित करने का, आप उन्हें कुछ दिखाना चाहते हैं तो भाई आप हमारे यहाँ आके कह सकते हैं। हर हफ्ते हम पॉडकास्ट करेंगे या आपकी जो चीज़ें हैं वो लेके आएंगे आगे, तो ये हमारा एक कंट्रीब्यूशन होगा कि आप इतने प्यार से हमारा चैनल देख रहे हैं तो हम उतने प्यार से आपको बाकी दुनिया के सामने रखें। एक बात, दूसरी बात, मैं बहुत दिनों से आपसे कह रहा हूँ नए एपिसोड लाऊँ, आप भी कहेंगे कह के बंद कर देते हैं, लाते कुछ है नहीं। तो लीजिए इस हफ्ते से ही शुरू करेंगे फर्स्ट फिल्म बोले तो कोई भी स्टार है तो उनकी फर्स्ट फिल्म, उस फिल्म से पहले क्या दिक्कतें आई, क्या खासियत थी और क्या क्या रहा उस फिल्म के अंदर, एक लंबा एपिसोड होगा, छोटा एपिसोड नहीं होगा, बड़ा एपिसोड रहेगा डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में, तो वो एक आपके लिए हम लेके आएंगे। हर हफ्ते में एक एपिसोड इसका रहेगा, फर्स्ट फिल्म ऑफ सनी देओल, फर्स्ट फिल्म ऑफ प्रभास, फर्स्ट फिल्म ऑफ अजय देवगन, फर्स्ट फिल्म ऑफ शाहरुख खान, फर्स्ट फिल्म ऑफ सलमान खान। तो उस फिल्म से जुड़ी बहुत सारी बातें, बहुत सारी यादें, कोशिश करेंगे कुछ इंटरव्यूज भी जुटा पाएं। तो ये हमारे दो सेगमेंट इस हफ्ते से हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि और भी कई सेगमेंट्स आएंगे, अब धीरे धीरे चीज़ें सेटल हो रही हैं तो हम उस तरफ ज़रूर बढ़ेंगे। तो प्लीज़ आप बताइएगा ज़रूर आपको एपिसोड कैसा लगा। नमस्कार।